हेलो गाइस, वेलकम टू ई ट्यूशंस, ओडिशास लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, वेयर क्वालिटी एजुकेशन आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्टीज एंड व्हिच इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स बेटर एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो। ठीक है, तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्लास 8 के जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर जो शुरू किए थे लास्ट दो क्लास में, उसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अगेन व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स इनक्लोज, एंड व्हाट इज ए पॉलीगन? पॉलीगन इज ए क्लोज स्ट्रक्चर इनक्लोज बाय लाइन सेगमेंट्स ओनली, एंड इफ द पॉलीगन हैज फोर लाइन सेगमेंट्स इनक्लोज्ड फोर लाइन सेगमेंट्स then that polygon is known as quadrilateral. So any closed polygon with four sides, four angles and four vertices, they are known as quadrilateral. ठीक है, और ये quadrilateral में quadrilateral एक polygon का part है ना, तो polygon दो तरीके का होता था, याद है? Polygons are of two types, it can be regular, it can be irregular. तो regular polygon का मतलब क्या है? If a polygon is equilateral and equiangular, then that polygon is known as regular polygon. ठीक है ना? तो वहां पर उसको बोला जाता था regular polygon. तो equilateral means all the sides should be equal. Equiangular means all the angles should be equal. Right? अगर इन दोनों condition में किसी एक condition satisfy नहीं होता है, तो वो वाला polygon को बोलते हैं irregular polygon. ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अभी हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर देयर, उसी पे फोकस करेंगे अभी। ठीक है, तो पहला टाइप्स में आता है ट्रेपीजियम। पहला टाइप में आता है, फर्स्ट वन इज ट्रेपीजियम। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। देयर शुड बी अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। एक साइड का लाइंस जो है, एक साइड जो पेयर ऑफ साइड, वो पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल मतलब क्या है बेटा? पैरेलल मींस दे विल नेवर इंटरसेक्ट, दे विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। दो लाइन को तभी पैरेलल बोला जा सकता है जब दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता है। अगर दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तभी वो दो लाइन को हम क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू से दैट दोस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, देन वी आर गोइंग टू कॉल दैट क्वाड्रिलेटरल आज ट्रेपीजियम। जैसे कि पहला फिगर देखो, यहां पे लेट अस गिविंग द नेम द क्वाड्रिलेटरल आज ए बी सी डी। सो नेम दे देने से थोड़ा हमें इजी हो जाएगा। यहां पे देखो, एडी वाला लाइन, दिस एडी लाइन एंड बीसी लाइन, बोथ आर पैरेलल ना बेटा, बोथ आर पैरेलल। बाकी दो लाइन सीडी एंड एबी, that the necessary condition is not there that they should be parallel or not. The necessary condition is one pair should be parallel. एक parallel जो है बेटा, वो एक pair of side जो होगा वो parallel होगा। बाकी जो दो pair है वो parallel हो सकता है, नहीं हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर एक pair parallel हो गया, तब हम वो structure को trapezium बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक rectangle draw कर दूंगा, मान लो कोई एक rectangle draw कर देता हूँ, तो रेक्टेंगल में एक साइड तो अपने आप में ही पैरेलल है, यहां पे तो दोनों साइड अपने आप में पैरेलल होता है। तो आई कैन से रेक्टेंगल इज ए ट्रेपीजियम। आई कैन से रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज ए ट्रेपीजियम। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए होता है, सॉरी ट्रेपीजियम होने के लिए क्या चाहिए होता है? ट्रेपीजियम होने के लिए वन पेयर ऑफ लाइन शुड बी पैरेलल, वन पेयर ऑफ लाइन शुड बी पैरेलल। तो रेक्टेंगल में तो वो पहले से ही मौजूद है, सो आई कैन से दैट रेक्टेंगल इज ए ट्रेपीजियम। तो पहले और थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर, सेकंड वाला स्ट्रक्चर बना है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, लेट्स गिव इट नेम एज ई एफ जी एंड एच, ई एफ जी एंड एच। सो ई एफ एंड जी एच आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑल्सो ई एच एंड एफ जी आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन ट्रेपीजियम के लिए हमें क्या नेसेसरी कंडीशन क्या है? कोई एक पेयर अगर पैरेलल हो गया तो हम उसको बोलेंगे ट्रेपीजियम। यहां पे तो दो पेयर हो रहा है, मतलब एक तो आ ही रहा है ना, एक पेयर अगर यहां पे दो पेयर अगर पैरेलल हो रहा है, तो वो तो एवं ही हो जाएगा ट्रेपीजियम। होगा नहीं होगा? होगा।
यहां पर देखते हैं थर्ड वन दिस वन एंड दिस वन इज पैरेलल टू ईच अदर, सो दिस इज अ ट्रेपेजियम. दिस वन एंड दिस वन इज पैरेलल टू ईच अदर, सो दिस इज अ ट्रेपेजियम. सो इसी को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या ट्रेपेजियम नहीं है. सो हियर नन ऑफ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो ये ट्रेपेजियम नहीं है. दिस वन इज नॉट ऑल्सो ट्रेपेजियम. अच्छा, यहाँ पे तो दो पेयर पैरेलल है, तब भी इसको क्यों ट्रेपेजियम नहीं बोला जा रहा है? तुम पूछोगे सर यहाँ तो एक पेयर पैरेलल हो रहा है. तुम ये पूछ सकते हो ना बेटा कि सर यहाँ पर तो एक पेयर पैरेलल हो रहा है, तभी ये वाला फिगर को आप क्यों नहीं बोल रहे हैं ये ट्रेपेजियम? गौर से देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? यहाँ पे कितने साइड है? 1 2 3 4 5. तो ट्रेपेजियम जो है, पहले बात तो ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है. दूसरा कंडीशन आता है कि एक पेयर पैरेलल होना चाहिए. अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो दूसरे कंडीशन तक जाना ही नहीं है. अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, पहला कंडीशन क्या है कि जो पॉलीगन है वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए. अगर पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन देखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं देखेंगे. पहला कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो तभी पे हम रोक जाएंगे वहां पर. ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है? इट शुड बी अ क्वाड्रिलेटरल. एंड सेकेंड कंडीशन इज अ पेयर ऑफ साइड्स शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. सो हियर पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज देयर, बट इट्स नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, बट इट इज ए पेंटागन. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए ट्रेपेजियम. सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा. नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इट्स ए काइट. काइट तुम बचपन में बहुत खेले होगे, काइट से उड़ाते होगे काइट को. तो काइट भी अपने आप में एक तरह का क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. पहला कंडीशन हमेशा, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, द मैंडेटरी द नेसेसरी कंडीशन इज दैट द स्ट्रक्चर शुड बी अ क्वाड्रिलेटरल, मीन्स फोर साइड शुड बी देयर एंड इट शुड बी ए क्लोज पॉलीगन. ठीक, तो काइट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है बेटा? नेसेसरी कंडीशन है कि जो कंजुगेट लाइन है, जो कंजुगेट लाइन है, दे शुड बी इक्वल. मतलब देखो ए बी सी डी, यहां पे ए बी और ए डी इक्वल होना चाहिए, वैसे बी सी और सी डी इक्वल होना चाहिए, तभी हम उस तरह के स्ट्रक्चर को बोलेंगे काइट. ठीक है, कंजुगेटिव लाइन शुड बी इक्वल. ठीक है, तो वैसे ही यहां पर देखो, मैं यहां पे नाम दे देता हूं ई एफ जी एंड एच. See here, EF is equal to EH and GH is equal to FG. So I can say that this structure is a kite. Likewise, I am giving name here M. I am giving name here M, N, O, and this is P. So here MP is equal to MN and ON is equal to OP. अच्छा, ये वाला सिंबल भी पता चल रहे हैं ना? मतलब यहां पे सिंगल लाइन दिया है, यहां पे सिंगल लाइन दिया है. इसका मतलब क्या है? ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है. ये दोनों लाइन का लेंथ जो है आपस में इक्वल है. इस सिंबल का रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं. अगर मान लो मैं यहां पे ऐसे कुछ ड्रॉ करके चारों लाइन में ऐसे 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 एक ही तरह का लाइन खींच लिया ऐसे, तो इसका मतलब है चारों के चारों वो क्वाड्रिलेटरल में चारों के चारों लेंथ जो है वो इक्वल है. तो इसी के वजह से यहां पे देखो दो डॉट दिया है, यहां पे दो लाइंस खींचा गया है. इसका मतलब क्या है? सिर्फ यही दो लाइन आपस में लेंथ में इक्वल है. ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो काइट में क्या होता है, कंजुगेटिव लाइंस जो है, कंजुगेट लाइंस जो है, दे शुड बी इक्वल. जो पास पास वाला लाइन है वो ही इक्वल होना चाहिए, तभी वो काइट बन सकता है, तभी वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो काइट बन सकता है. तो देखो यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये वाला इसके साथ इक्वल हो रहा है और इसके साथ इक्वल हो रहा है, लेकिन इसका कुछ मतलब अता पता नहीं, इसके साथ इक्वल नहीं हो रहा है, तभी ये काइट नहीं बन सकता, तभी ये काइट नहीं बन सकता. अच्छा, एक अगर आई एम कंसिडरिंग ए स्क्वायर और ए रंबस, इफ आई एम कंसिडरिंग ए स्क्वायर और रंबस, यू नो व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर एंड रंबस? ऑलरेडी नो, हम आगे भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. स्क्वायर और रंबस में क्या होता है ना बेटा, चारों के चारों साइड इक्वल होता है, चारों के चारों साइड इक्वल होता है. तो अगर चार साइड इक्वल हो गए, हमारे ऑटोमेटिकली जो कंजुगेटिव साइड से वो भी अपने आप में इक्वल होते हैं ना. अगर चारों के चारों साइड इक्वल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कंडीशन है काइट का कि कंजुगेट लाइन शुड बी इक्वल, वहां पर भी हो रहा है. कंजुगेटिव लाइन शुड बी इक्वल, यहां पर भी कंजुगेटिव लाइंस जो है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है.
अगर इक्वल हो रहा है तो मतलब हम बोल सकते हैं क्या एक स्क्वायर जो है वो अपने आप में एक काइट हो जाएगा? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना, यहां पर कंसेक्यूटिव लाइन अगर इक्वल होगा तभी हम काइट बोलते हैं, अगर ऐसा होता है। और हमारा स्क्वायर में तो हमारा वही होता है ना, सारे के सारे साइड अगर इक्वल हो गए तो कंसेक्यूटिव लाइंस भी अपने आप में इक्वल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है सो आई कैन से दैट अ स्क्वायर इज अ काइट, रंबस इज अ काइट, वो भी मैं बोल सकता हूँ। रंबस में सारे साइड इक्वल है और अगर कंसेक्यूटिव साइड इक्वल होने से काइट होता है तो अपने आप में रंबस खुद भी एक काइट बन जाएगा। ठीक है, यहां पे देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर में, ये वाला कंसेक्यूटिव लाइंस तो इक्वल है, ये वाला कंसेक्यूटिव लाइंस तो इक्वल है, लेकिन अगर गौर से देखोगे दिस इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज द फर्स्ट कंडीशन। पहला तो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए काइट होने के लिए, फर्स्ट कंडीशन इट शुड बी क्वाड्रिलेटरल, सेकंड कंडीशन द कंसेक्यूटिव लेंथ शुड बी इक्वल। यहाँ पे कंसेक्यूटिव लेंथ इक्वल है लेकिन यहाँ पे टोटल कितना लाइन से, टोटल कितना वर्टिसेस है, कितना लाइन से, 1 2 3 4 5, तो ये वाला पेंटागन है, सो इट्स नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए काइट। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला फिगर पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ए पैरेललोग्राम, बस आगे भी हम पढ़ेंगे, बस यहां पे देख लो, यहां पे कंसेक्यूटिव लाइन इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट द कंसेक्यूटिव साइड्स आर नॉट इक्वल। अगर कंसेक्यूटिव साइड इक्वल ही नहीं होंगे, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, ये पता है ना, चार साइड है, फोर साइड्स आर देयर, सो दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये तो पता है तुम्हें, लेकिन कंसेक्यूटिव साइड जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है, कंसेक्यूटिव साइड इक्वल नहीं हो रहा है, इसी के वजह से ये दिस इज नॉट ए काइट, दिस इज नॉट ए काइट। सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आता है बेटा पैरेललोग्राम, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। सो व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम? सो पैरेललोग्राम इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वेयर द टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर अगर, एटलीस्ट वन पेयर अगर होता, अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल होता तो उसको ट्रेपेजियम बोलते थे ना, तो टू पेयर्स अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। अगर टू पेयर्स होगा ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन वी विल कॉल दैट फिगर एज पैरेललोग्राम। अभी देखो यहां पे ये वाला साइड पैरेलल है ना, ए बी और सी डी पैरेलल है, वैसे ही ए डी और बी सी भी पैरेलल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। वैसे ही ये वाला फिगर पी क्यू आर एस, यहाँ पे पी छूट गया है, पी क्यू आर एस में पी क्यू और आर एस पैरेलल है, एस क्यू और पी आर पैरेलल है, तो आई कैन से दिस इज एज ए पैरेललोग्राम। जबकि यहां पे देखो ए बी सी डी दिस इज ए ट्रेपेजियम, क्योंकि यहां पे वन पेयर इज पैरेलल, वन पेयर इज पैरेलल, सो वन पेयर इज पैरेलल, सो आई कैनॉट से दिस एज पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए दो ऑपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, यहां पे सिर्फ वन ऑपोजिट, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यहां पर सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। अच्छा यहां पे एक चीज गौर करना है, पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम का सारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम का सारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब क्या है, ट्रेपेजियम में ये कंडीशन था कि वन पेयर ऑफ साइड्स, ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल, तो यहां पर तो हो रहा है ना, यहां पर तो हो रहा है, सो आई कैन से एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, आई कैन से एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम का कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, यहां पे हो रहा है, लेकिन द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, आई कैनॉट से एवरी ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? पैरेललोग्राम के लिए टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, जबकि ट्रेपेजियम में टू पेयर नहीं होता है, एक ही पेयर होता है, सो आई कैन से एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, दैट इज एवरी ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। यहां तक बात समझ में आया? अच्छा यहां पर एक फिगर दिया है जिसको पैरेललोग्राम के अंडर नहीं इंक्लूड किया गया है, क्यों? क्योंकि तुम्हें यहां से ही पता चलता है, पहले तो बात है कितने साइड से, 1 2 3 4 5 6 साइड से, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो पैरेललोग्राम का बात ही नहीं आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो पहला तो कंडीशन ये होता है कि वो जो पॉलीगन है वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, then comes the second condition, that is two pairs of opposite sides are parallel, ये second condition है, पहला condition तो ये है कि quadrilateral होना चाहिए, ठीक है?
समझ में आया व्हाट इज पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम विल सी ऑब्जर्व केयरफुली। यहाँ पे देखते हैं पहला होता है ऑपोजिट साइड्स। सो ऑपोजिट साइड्स किसको बोलते हैं, जो कंसेक्यूटिव नहीं होते हैं उसके फेस के तरफ, जो वाला नया वाला मतलब जो फेस टू फेस होते हैं उसी को बोलते हैं ऑपोजिट साइड। हियर AD and BC आर ऑपोजिट साइड, AD and BC आर ऑपोजिट साइड्स। लाइकवाइज AB and CD दिस टू आर ऑपोजिट साइड। ये दो जो पेयर है दिस बोथ पेयर्स आर ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि ये फेस टू फेस रहते हैं ना। ऑपोजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फेस टू फेस रहते हैं तो उसको ऑपोजिट पेयर्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ऑपोजिट पेयर्स। ठीक, नेक्स्ट आता है ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स क्या है, जो एंगल ईच अदर को फेस करते हैं उसी को बोलेंगे ऑपोजिट एंगल्स, है ना। यहां पर अगर गौर से देखोगे एंगल ए फेसेस टुवर्ड्स एंगल सी एंगल ए फेसेस टुवर्ड्स एंगल सी, एंगल ए एंगल सी के तरफ फेस कर रहा है ना, तो वील से दैट ए एंड सी आर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। वी कैन से ए एंड सी आर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। लाइकवाइज एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल डी आर फेसिंग टू ईच अदर, सो वी कैन से एंगल बी एंड एंगल डी आर ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स और पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एडजेसेंट टाइम, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होता है, जो कंसेक्यूटिव साइड्स होते हैं, मतलब कंसेक्यूटिव साइड्स। देखो यहां पर एबी और बीसी, दिस एबी एंड बीसी आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड, क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट है। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है इफ एनी ऑफ द टू साइड्स हैविंग वन पॉइंट एज कॉमन पॉइंट देन दैट टू साइड्स आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड। अगर दो साइड में एक कॉमन पॉइंट होता है तो हम उसी साइड्स को ईच अदर से एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है, सो आई कैन से एबी एंड बीसी आर एडजेसेंट साइड। ठीक है, वैसे ही बीसी एंड सीडी आर ऑल्सो क्यों, बीसी एंड सीडी में सी इज द कॉमन पॉइंट, सो आई कैन से बीसी एंड सीडी आर एडजेसेंट साइड। Likewise, I can say CD and AD are adjacent side because D is the common point, so CD and AD are the adjacent side. Likewise, I can say AD and AB में common point कौन सा है, A point है common, so I can say AD and AB are the adjacent side. समझ में आया यहाँ तक। अभी देखते हैं adjacent angles. Adjacent angles, what do you mean by adjacent angle? If the two angles have a common side, if the two angles have a common side, then that is called as adjacent angles. Adjacent side क्या होता था, if the two sides have a common point. Adjacent angle क्या हो रहा है, if the two angles have a common side, मतलब अगर हम ये वाला angle A को देखेंगे और angle B को देखेंगे, they are attached by a common side ना AB, they are attached to each other by a common side AB, so that's why angle A and angle B are called as pair of adjacent angle. Angle A and angle B are called as pair of adjacent angle. Likewise, angle B and angle C are attached to each other by a common side BC. Angle B and angle C are attached to each other by a common side BC. So I can say angle B and angle C are adjacent to each other. Likewise, angle C and angle D. Angle C and angle D are attached to each other by a common length CD. So I can say angle C and angle D are adjacent to each other, and angle D and angle A are attached to each other by a common side AD. So I can say angle A and angle D are adjacent to each other. Angle A and angle D are adjacent to each other. So these are the pair of adjacent angle. These are the pair of adjacent angles. So these are the pair of adjacent side. These are the pair of adjacent
साइड्स। सो होप यू गॉट ऑल दिस, ये वाला बात समझ में आ गया होगा जो भी मैं बोला। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज में देखते हैं। पहला तो प्रॉपर्टी ये हमको पता है कि दिस शुड हैव पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, ये तो हमको पता है, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए पैरेललोग्राम। द फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड बी ए क्वाड्रिलेटरल, सेकेंड कंडीशन इज द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल टू ईच अदर इन ए पैरेललोग्राम। अच्छा गौर से देखेंगे, अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल हो रहा है और ऑपोजिट साइड इक्वल भी होगा, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल टू ईच अदर। अच्छा कैसे होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। यहां पे एक डायगोनल हमने ड्रॉ किया है, यहां पे अभी मैं क्या कर रहा हूं, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, सो आई हैव ड्रॉन ए डायग्राम हियर। ठीक है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, आई हैव ड्रॉन द डायगोनल एसी हियर, एसी डायगोनल इज ड्रॉन, एसी डायगोनल इज ड्रॉन। ठीक है, और यहां पे हम अगर गौर करेंगे बेटा, यहां पे दो ट्रायंगल आ रहा है, एक तो होता है ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, देखो गौर से देखो ये वाला ट्रायंगल ए डी एंड सी, और एक ट्रायंगल आएगा यहां पर, और एक ट्रायंगल क्या आएगा, इफ विल सी ऑब्जर्व केयरफुली देयर इज अनदर ट्रायंगल ए बी एंड सी, दिस ब्लू लाइन ए बी एंड सी, देयर आर टू ट्रायंगल्स, वन इज ट्रायंगल ए डी सी, अनदर ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी में एंगल टू, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन, क्यों एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या होता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अगर दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हो उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल, दैट्स व्हाई एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन। वैसे ही एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर होगा, या फिर एंगल फोर एडीसी है ना, पहले एडीसी लिए हैं तो एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री, वो भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो भी दैट और ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों, क्योंकि वहां पर एडी पैरेलल टू बीसी है, एडी पैरेलल टू बीसी है और एसी इज इंटरसेक्टिंग, दैट्स व्हाई एंगल फोर एंड एंगल थ्री शुड बी इक्वल। और क्या है, एसी जो है एसी इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, एसी इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, एसी इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। ठीक है, एसी जो है वो बोथ ट्रायंगल्स को कॉमन है, तो इसलिए वी कैन से ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी और कंग्रुएंट टू एबीसी, वी कैन से ट्रायंगल एडीसी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी, कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल, एएसए रूल से, एंगल साइड एंगल। अगर ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट होते हैं तो क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव लेंथ शुड बी इक्वल, कंसेक्यूटिव लेंथ शुड बी इक्वल, करेस्पॉन्डिंग लेंथ, सॉरी नॉट कंसेक्यूटिव, करेस्पॉन्डिंग लेंथ शुड बी इक्वल, आई हैव टोल्ड मिस्टेकिंगली कंसेक्यूटिव, इट शुड बी करेस्पॉन्डिंग लेंथ शुड बी इक्वल, मतलब करेस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सा है, एंगल एडीसी का, ट्रायंगल एडीसी का जो लेंथ सीडी है उसका करेस्पॉन्डिंग लेंथ ट्रायंगल ABC में कितना है, AB है, सो CD इज इक्वल टू AB, CD इज इक्वल टू AB, और ट्रायंगल ADC में जो AD लेंथ है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ ट्रायंगल ABC इज BC, AD इज इक्वल टू BC। सो यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि मतलब पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स क्यों इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्यों इक्वल होता है, हमने यहां पे प्रूव कर दिया। अच्छा अगर करेस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इक्वल, इफ द टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट ना,
if the two triangles are congruent or if the two triangles are congruent, then we can say the corresponding length should be equal, corresponding angle also should be equal, corresponding angles and corresponding length should be equal. अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे, corresponding length तो मैंने बता दिया, corresponding angle मतलब triangle ADC में angle D is equal to triangle ABC में angle B होगा. उसी तरीके से अगर तुम गौर से देखोगे तो ये भी प्रूव कर सकते हो कि angle C और angle A equal होगा. कैसे प्रूव करोगे? अगर BD diagonal को लेके अगर तुम इसको क्रॉस चेक करोगे ऐसे ही, मतलब ये जो congruent मैंने निकाला ये AC triangle को लेके निकाला है, अगर तुम BD triangle को लेके निकालोगे बेटा तो वहां पर भी तुम्हें मिलेगा कि मतलब angle A is equal to angle C. ठीक है, यहाँ पे हमने दो properties यहाँ पर ही प्रूव कर लिया कि opposite sides of parallelogram will always be equal. यहाँ पे हमने प्रूव किया है CD is equal to AB and AD is equal to BC. क्यों? ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो करेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द कंग्रुएंट ट्रायंगल शुड बी इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कंग्रुएंट ट्रायंगल शुड बी इक्वल. सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए. तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, ये भी हमने प्रूव कर लिया. अच्छा, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल तो मैंने बताया है, ऑपोजिट एंगल मतलब एक तो बी और डी हो गया और एक ए और सी हो गया, जो कि हमने यहां पर प्रूव कर भी दिया है. ठीक है, नेक्स्ट आता है द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी ए सप्लीमेंटरी एंगल. मतलब क्या है एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है? यहां पर एंगल डी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल है, एंगल सी एंगल बी एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी एंगल ए एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल है. The pair of the adjacent angles should be always be supplementary. Supplementary means if we'll add both the angles, if we'll add both the angles, so 180 degree will come. So if we'll add A with D, A with B or B with C or C with D, they will always be how much beta? 180 degree. They will always be how much? 180 degree. ठीक है? ठीक है? कैसे हुआ 180 degree? देखते हैं. कैसे 180 डिग्री होता है? सपोज आई विल से एंगल डी प्लस एंगल सी ये मिलके 180 डिग्री होता है, वो कैसे होता है? अगर मैं देखूंगा इसको, मैं प्रूव करूंगा. देखो गौर से देखो ताकि तुम समझ पाओगे. इसको मैं मिटा देता हूं ताकि ताकि यहाँ पे थोड़ा जगह बन सके, तो मैं यहाँ पे समझा दूंगा. ये वाला बात तो समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको थोड़ा जगह बनाने के लिए मिटा देता हूँ. ये वाला सारा चीज थोड़ा मिटा देता हूँ. ठीक है, थोड़ा जगह बन जाए तो मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री क्यों होता है. बेटा गौर से देखना, बहुत अच्छे से देखना, पूरा कंसेंट्रेटली फोकस से देखना ताकि तुम समझ सको. ठीक है, बिल्कुल फोकस के साथ, फोकस हिलना नहीं है. मैथ इज वेरी इजी बट यू हैव टू गिव योर फोकस टू इट. ठीक है, चलो देखते हैं. So, देखो अभी ट्रायंगल एडीसी में, अगर मैं ट्रायंगल एडीसी का बात करता हूं, ठीक है, ट्रायंगल एडीसी में यहां पे लिख रहा हूं, ट्रायंगल एडीसी में एंगल डी प्लस एंगल डीएसी प्लस एंगल डीसीए इज इक्वल टू 180 डिग्री ना. ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उसी के वजह से एंगल डी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए ये तीनों मिलके कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है ना. अभी देखो गौर से देखो, एंगल डी ए सी मतलब एंगल 4 है ना. एंगल डी ए सी का मतलब क्या है? एंगल 4 है. ये एंगल 4 किसके साथ इक्वल था बेटा? एंगल 3 के साथ इक्वल था. क्यों एंगल 4 एंगल 3 के साथ क्यों इक्वल था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अभी बोला था प्रूफ के टाइम में, अभी बोला था एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3. क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसी के वजह से इक्वल होता है. तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एंगल डी ए सी के जगह में आई कैन राइट, और आई विल राइट इट हियर, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. क्यों? क्योंकि ए डी पैरेलल टू बी सी है और ये दोनों क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. दिस बोथ विल बी अल्टरनेट
interior angle. This both will be alternate interior angles. ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं डी ए सी के जगह पे आई कैन राइट एंगल ए सी बी, आई कैन राइट एंगल ए सी बी, और डी सी ए को ऐसे ही रहने देते हैं, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अभी गौर से देखो, पूरा कंसंट्रेट से देखो, एंगल डी सी ए और एंगल ए सी बी, यहां पे दूसरे कोई कलर में मैं तुमको दिखा रहा हूं, गौर से देखना, यहां पे एंगल डी सी ए ये वाला एंगल और ए सी बी ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के टोटल एंगल सी बना रहे हैं ना. टोटल एंगल सी कैसे बनता है, एंगल डी सी ए प्लस एंगल ए सी बी. तो इन दोनों के दोनों के जगह में ये दोनों एंगल के जगह में इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये एंगल सी निकल जाएगा ना. ये दोनों एंगल को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये एंगल सी निकल जाएगा. डी सी ए प्लस ए सी बी, ये दोनों मिलके तो एंगल सी बनाता है, ये दोनों एंगल मिलके एंगल सी बना रहे हैं. तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, ये वाला एंगल डी है, एंगल डी को वैसे ही लिखने देते हैं, प्लस ए सी बी प्लस डी सी ए, ए सी बी प्लस डी सी ए, ये दोनों मिला के बनाते हैं एंगल सी, ये दोनों मिला के बनाते हैं एंगल सी. सो आई कैन राइट एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 180 डिग्री, जो कि यहां पर लिखा गया है, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ऐसे ही बाकी सारे जो एंगल्स है ना, एंगल ए प्लस बी, एंगल बी प्लस सी, एंगल डी प्लस ए, ये भी तुम निकाल सकते हो कि ये दोनों एंगल का समेशन जो है वो 180 डिग्री होगा. तो आज जितने भी हमने पढ़े, जितने भी मैं तुमको कुछ नया चीज सिखाने की कोशिश किया, होप करता हूं कि सारा का सारा चीज समझ में आ गया होगा. तो आगे की जो चैप्टर से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो आज का टॉपिक यहां रखते हैं. तो जाने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट ईट्यूशन इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म इन ओडिशा व्हिच इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स एजुकेशन फॉर बेटर टुमोरो एंड वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी एजुकेशन. यू कैन इंस्टॉल आवर एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर ऑल्सो नेम्ड एज ईट्यूशन. यू कैन फॉलो अस एट इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर. ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ईट्यूशन.com. तो अगर ये चैनल का कंटेंट, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन आइकन को बिल्कुल दबा दीजिए और वहां पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी सारे नया वीडियो हमारे चैनल में अपलोड हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप घर बैठे बिना कोई फीस के क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त में पा सके. ठीक है, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. सो टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, डू नॉट गो आउटसाइड अंटिल एंड अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. कोरोना इज गोइंग ऑन बेटा, इट्स वेरी डेंजरियस. सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी ए पार्ट ऑफ ई ट्यूशन, बी ए पार्ट ऑफ एजुकेशन फॉर बेटर टुमोरो. थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.